तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज बनाने वाले जो बहुत ज्यादा आपको यूजफुल है, अगर आपके मम्मियों को यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में एक ऐसा एग्जॉस्ट फैन बनाने वाले जो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और बहुत ज्यादा आपकी मम्मियों को मतलब सहायता करने वाला है। तो बहुत ज्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि ये बात यहाँ पर मम्मी जी की आती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करो, चैनल पर हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो दोस्तों ये एग्जॉस्ट फैन बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप अगर उसे देखोगे फुली लास्ट में आपको उसका एक मतलब एक महारूप भी देखने वाले हो। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो दोस्तों जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करो। दोस्तों चलती हमारी वर्कशॉप पे। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नया वाला वीडियो लेके। तो दोस्तों इस लेडीज वीडियो में मैं एक ऐसा एग्जॉस्ट फैन बनाने वाला जो बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होने वाला है, खास करके आपके मम्मियों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि इसे अगर हम किचन में फिट कर देंगे तो वहाँ का सारा धुआं वो गायब कर देगा, इतना पावरफुल होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और नॉलेजेबल भी होने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि अगले वीडियो हम डालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक 12 वोल्ट का बैटरी होल्डर ले लिया है जो लिथियम आयन का बैटरी होल्डर मिलता है। तो दोस्तों आप सीधा भी उसको मतलब कनेक्शन कर सकते हो लेकिन आपको वहाँ पर BMS लगेगा बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने उसके कोई तार के पीस ले लें, कुछ 3-4 पीस लेने वाले, उसका क्या यूज होने वाले वो आप वीडियो में देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा उसका अच्छा यूज होने वाला है जिससे हम इजीली हमारे बैटरीज को जब चाहे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जब चाहे हम निकाल भी सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मतलब इसका अच्छा यूज होने वाला है। तो इस तरीके से जो तार का पीस होने वाला है सिंपली एक तार का पीस हम उसके ऊपर की साइड में लगा देंगे जिससे वहाँ पर हम बैटरी को इसे हैंग कर सकेंगे। जब हमें उसका यूज होगा तो हम उसे हैंग कर देंगे, जिस जहाँ पर हमें उसका यूज नहीं होगा वहाँ पर हम उसे निकाल देंगे इजीली। तो इस तरीके से इसे फेविक्विक से हम मतलब चिपका देंगे एकदम इजीली। और दोस्तों ये वाला वीडियो मतलब आपको क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो भी एग्जॉस्ट फैन मतलब जो भी हमारे किचन में धुआं होता है उससे आपको सांस की प्रॉब्लम मतलब मतलब आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है धुएं मतलब अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या करने वाला है सिंपली सारे के सारे ज़्यादा वो धुआं होने वाला है तो वो सीधे आपके घर के बाहर मतलब पहुंचा देगा उसको। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा वाला वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका जो एंगल पे मतलब उसके पीस करके उसको मतलब चिपका देंगे जिससे ईजिली हम उसे हैंग कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मतलब इसका फायदा क्या होने वाला है कि अगर आप उसे मतलब बैटरी से चलाना चाहते हो तो बैटरी से चला सकते हो या फिर आपको मतलब किसी पावर सप्लाई या फिर 12 वोल्ट का चार्जर होगा तो उससे भी चला सकते हो। और हमारा एक और क्या प्लस पॉइंट होने वाला है कि हम बैटरी को मतलब मेरे पास तो BMS नहीं है, अगर आपके पास BMS होगा तो आप उसे डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो चार्जिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली उसमें से मतलब होल्डर में से सेल निकाल देता हूँ और जो हमारे पैरेलल कनेक्शन मैंने एक छोटा वाला सर्किट मंगा दिया है 5 वोल्ट का तो वहाँ पर मैं सारे सेल्स चार्ज करके फिर के यूज लेना हो तो इस 12 वोल्ट के होल्डर में लगा देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ मैं करता हूँ तो आप भी वैसा कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से सारे कनेक्शन ले लिए। तो अभी सिंपली इसको सोल्डरिंग करते हैं। मैंने एक पावर मतलब जो जैक होता है हमारा 12 वोल्ट का पावर जैक तो उसको सिंपली हम कनेक्शन देने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन दिख रहे हैं उससे मुझे याद आया कि मेरी भी एक सोल्डरिंग आयरन पहले खराब हो चुकी थी और उस खराब सोल्डरिंग आयरन से मैंने एक अच्छी वाली सोल्डरिंग आयरन बनाई थी। तो उसका वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में या फिर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों वो वाला वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई मतलब देगा क्योंकि उसमें जो हमने कॉइल यूज़ किए वो कॉइल यूज़ किए हमने पुराने वाले बल्ब से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप मतलब चेकआउट कर सकते हो। आप इजीली घर पे सोल्डरिंग आयरन बना सकते हो और एकदम जेन्युइन सोल्डरिंग आयरन बनते बहुत ज़्यादा यूजफुल आपको हो जाएगी। तो इस तरीके सारे कनेक्शन मतलब लगभग सारे कनेक्शन मैंने कर दिए और इसका जो मैसूर रूप होने वाला है वो आपको एंड में पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ और क्या किया। मतलब आपको आप इतने होशियार है कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी आप देखिए एंड में उसका मतलब टेस्टिंग का वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। उसका मतलब दो अलग टेस्टिंग वीडियो इसमें ही आने वाले। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मतलब पसंद आएगी तो और पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि नॉलेज बढ़ाने में हमें कोई भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब सारा कनेक्शन हो चुका है और मैंने इस पर एक स्विच भी प्लस पॉइंट लगा दिया था क्योंकि आपको एक इजी टू हैंड मतलब मैं तो यूज़ नहीं करने वाला, मम्मी यूज़ करने वाली तो आप उसे एकदम इजीली वो हैंडल कर सकेगी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने एक स्विच भी उसको मतलब ज़रा सी वायर एक्सटेंड करके लगा दिए जिससे अगर वो ज़्यादा हाइट पे भी होगा तो आप उसे इजीली एकदम मतलब चालू कर सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इसकी सारी चीज़ें मतलब रेडी हो चुकी है, अभी इसकी सिर्फ टेस्टिंग ही बाकी है। तो सबसे पहले इसको मतलब हम पैक कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं जिससे कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट का तो कोई भी चांस नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से सारा मतलब ग्लू गन से हम फिट कर देते हैं और जल्दी से चलते हैं अभी इसकी टेस्टिंग पे। तो उसके टेस्टिंग के लिए सिंपली इस तरीके से मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ किस तरीके से वो बन के रेडी हो चुका है सारा कनेक्शन करने के बाद। तो इस तरीके से स्विच में स्विच यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पर बैटरी लगा सकते हो या फिर कोई भी चार्जर होगा तो वो चार्जर भी आप इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हो जिससे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली उसे यूज़ कर सकेंगे। तो जल्दी से अभी इसके धुएं के सोर्स के पास जाते हैं जल्दी से।
turned up. Let's go. तो दोस्तों आ चुके हैं हमारी टेस्टिंग वाली वीडियो पे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं धुएं को कैसा एकदम इजीली उसको अपने अंदर ले रहा है, एकदम अच्छी तरीके से पूरे धुएं को नामशेष कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वीडियो नॉलेजेबल थी, दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मैसिव रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया एंड में। तो दोस्तों अभी थोड़े 5 से 6 सेकंड के बाद आपको वो वाला मैसिव रूप दिख जाएगा। तो देख सकते हैं इजीली धुएं को ले रहा है। तो यहाँ पर आ चुका है आपके सामने वो मैसिव रूप। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसे फुल्ली मॉडिफाई कर दिया था लास्ट में। तो दोस्तों इसका भी मतलब टेस्टिंग वाला वीडियो आपको एंड में एक 5-6 सेकंड का मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ।